कर फॉस्फोरस के एवं यूरिया के, फॉस्फोरस को पी और यूरिया को एन से संबोधित करते हैं। एन पी के जो मुख्य गौण तत्व है हमारी खेती के लिए परम आवश्यक है, लेकिन इसका जो स्रोत है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो विदेशों से इंपोर्ट होता है, और जबकि ये जो इनका जो प्रोडक्ट है ये जो है पशुओं का अवशेष है, और जो हड्डियाँ होती हैं उसमें फॉस्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। देखिए जिस तरह से मनुष्य के लिए छह एलिमेंट हैं, छह तत्व हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट, उसमें आपने अपना कुछ चेंज कर लिया, आपने विधियाँ बदल दी तो 5% 10% आपने बढ़ा लिया अपने उत्पाद को, तो बहुत अच्छा माना जाता है। आज इनका हम लोग खास सम्मान कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने 3-4 साल इस उत्पादन का हमारे उन्होंने उसका भरोसा किया और उस भरोसे को कायम रखा। सम्मान करें सॉल पहनाकर। सॉल पहनाकर स्वागत करें। एक बीघा खेत में कितना आलू होता है? ये पक्का बीघा कहलाता है, इस एरिया में ये पक्का बीघा है जी। तो पक्के बीघे में ज़्यादातर वही 30, कच्चे बीघे में 30 मतलब 90 से लेकर के 100-125 तक इससे ज़्यादा नहीं हो पाते। अच्छा, ये सामान्य स्थिति है जब केमिकल खाद यूज़ की जाती है। हाँ, केमिकल खाद का यूज़ करते हैं और काफ़ी करते हैं आगरा में, तो मैं समझता हूँ जो मेरी जानकारी है, जो मैं यहाँ काफ़ी रहा हूँ तो यहाँ काफ़ी प्रयोग करते हैं। एक एक पक्के बीघे में 3-3 कट्टे DAP लोग दे देते हैं यहाँ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जैसे जो पोजीशन मैंने अभी इनकी यहाँ देखी है निकलते हुए, तो मुझे लग रहा है कि ये निश्चित रूप से कम 200 से 300 के बीच में बढ़ोतरी इसमें दिखाई दे रही है, जो एक आश्चर्यजनक है। और इतनी बढ़ोतरी आसानी से नहीं होती, तो ये तो एक आश्चर्यजनक उत्पादन कहा जाएगा। एक एक बीघे में 300-250 से 300 कट्टे निकल जाना, इसका मतलब यह कि कॉस्ट तो वही रहेगी, कॉस्ट सेम है लेकिन प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा। बताइए कब से यूज़ कर रहे हैं? 3 साल से हो गया था मुझे ये खाद यूज़ करने। कौन सी खाद यूज़ कर रहे हैं? ये जैविक खाद। अच्छा, क्या दिखा पहले कितना आलू होता था? पहले बहुत रिजल्ट कमाता था, 100 का एक बीघा में 100 बोरा। अच्छा, अब मेरे एक बीघा में 250 कट्टा या भर लो आपके सामने। अच्छा, हाँ,